खबर राजस्थान से, जहां के सीएम के नाम धमकी भरा कॉल करने के मामले में पुलिस ने जेल में बंद तीन कैदियों पर एक्शन लिया है। रिपोर्ट आते सबसे पहले मैंने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी के कॉल के मामले में जयपुर जेल के दो वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और रेप के आरोप में जेल में बंद है। बता दें कि राजस्थान पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच में पता चला था कि ये कॉल जयपुर सेंट्रल जेल से किया गया था। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। और देखिए खबर लखनऊ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की कार चुराने की कोशिश करने के मामले में क्या हुआ है आप देखिए। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति की गाड़ी चुराने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। निरंजन ज्योति के ड्राइवर ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें जानकारी दी गई है कि निरंजन ज्योति की सुरक्षा टीम उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जा रही थी। इस दौरान एक ढाबे पर रुकने के दौरान घटना घटी। एक शख्स ढाबे पर खड़ी कार को चोरी करने की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। एफआईआर में निरंजन ज्योति के अपहरण की आशंका से वारदात होने का शक भी जताया गया है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने एक फ्रांसीसी जहाज से बीमार नागरिक का रेस्क्यू किया और उससे मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई गई। अरब सागर में बुधवार को भारतीय नौसेना ने एक फ्रेंच नागरिक को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नौसेना को फ्रांसीसी झंडे वाले जहाज से मेडिकल इमरजेंसी का अलर्ट मिला था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आईएनएस शिखरा से ध्रुव हेलीकॉप्टर को मदद के लिए भेजा गया। शिप पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था नहीं होने पर ट्रॉली की मदद से एक फ्रेंच नागरिक का रेस्क्यू किया गया। बीमार फ्रेंच नागरिक को लेकर ध्रुव हेलीकॉप्टर फिर से आईएनएस शिखरा पर लौटा, जहां उसे मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई।